कल्कि अवतार और कलयुग अंत को लेकर बहुत सारे संतों की भविष्यवाणियों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने खुद पढ़ी है कि उन संतों ने क्या भविष्यवाणी लिखी थी? नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आज हम आपको सूरदास जी की भविष्यवाणी उन्हीं की भाषा में पढ़कर बताने वाले हैं। सूरदास जी की भविष्यवाणी है, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे, माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण परे, उड़ी विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विश्व में फेंके, जग माही प्रजा बहुत मरे, द्वादश कोष शिखा को जांकी, कंठ सु तेज धरे, सौपे शुन शुन भीतर, आगे योग परे, सहस वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, सूरदास होनी सो हुई, काहे को सोच करे, काल जाल से वही बचे, जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला टारे नहीं टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल चढ़े, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला टारे नहीं टरे। 23 अंक में आखिर क्या होगा? 23 अंक, जेब चली पर राम रे, आर्थिक अवस्था अचल हिब्बे, देशे मान रख रे, रेल दुर्घटना मान पृथ्वी रे हुई वे, वायु मान दुर्घटना मान गटु थाइये। ये भविष्य मलिका से चंद लाइनें थी, शायद पढ़ने में शब्द आगे पीछे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि 23 अंक जब चलेगा विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था रुक जाएगी, रेल वायु की दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी। इससे पहले सूरदास जी की भविष्यवाणी आपने जानी और अब आपको हमने भविष्य मलिका की ये भविष्यवाणी बताई, लेकिन दोनों ही भविष्यवाणियों के अंदर एक और चीज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग बोचक्के रह जाएं। इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है कि जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 121 में लिखा है कि बीमारी जिसमें नर मरेंगे उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन दान और समाधि में रहना, यानी कि लॉकडाउन। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जो 2020 में हमने देखा कैसे वो बातें हमारे पुरातन समय के अंदर ही लिख दी गई थी और वो बातें आज के समय में सच्चाई की शक्ल में सच भी हो रही है। इसी अनुसार भविष्य मलिका में एक चीज और लिखी थी जिसका मतलब ये है कि इसी प्रकार उनके लोग क्षय होंगे, सूर्य का तेज प्रकाश पृथ्वी में बढ़ेगा, बिजली गिरने से भी हानि होगी, और ये सारी बातें भी आज के समय में सच्चाई की शक्ल में सच साबित हो रही है। पवित्र भविष्य मलिका के अनुसार महाप्रभु कल्कि राम श्री श्री संत अनंत, ये जो ईश्वर का नाम अपने लेते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब पूरी पृथ्वी पर हर एक देश के व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले लोग ईश्वर के ऊपर यकीन करना शायद बंद कर देंगे, लेकिन लोग पाप कर्म अत्यधिक करने लगेंगे। इसी अनुसार एक ग्रंथ में लिखा है, भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धरा देनु न होई, रसा रसातल ता क्षण खोई। भूकंप गाया की गाथा ही गा रहा है, जब गौ माता को बहुत त्रास होगा तब पृथ्वी कांपती है, दिन पृथ्वी पर देनु नहीं होगा और उसी क्षण पृथ्वी रसताल में चली जाएगी। और इसके बाद गो गंगा जैसी आज बांझ हो गई है, इन मिताओं का काम करने के लिए आजकल आप देख सकते हैं कि गौ माता की कैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और पुरातन धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी थी कि जब ऐसा समय आएगा उसके बाद पृथ्वी त्रास यानी कि रसताल में जाने का शुरुआत हो जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे हमें वैज्ञानिकों से संदेश मिल रहे हैं, जैसे हमें भविष्य मलिकाओं से और भविष्यवाणियों से संदेश मिल रहे हैं, इन सभी से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट और तय हो चुकी है कि आने वाला समय अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अब एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि ये सारी भविष्यवाणियों तो हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं ना, तो आखिर कब होगा वो कल्कि अवतार? क्या उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी कहीं पर देखने को मिलती है या सारे बस ऐसी हवा में बताई हुई बातें हैं? तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा मानना कि साल 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आएगा। उससे पहले हमने आपको एक चीज लगभग 2022 में कही थी, हमने ये कहा था कि 2023 का जो अंत होगा ना वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी होने वाला है, जैसे जैसे 2023 अंत की तरफ बढ़ेगा, हमने 2022 में कहा था। और 2023 में आप अगर उसके अंत के 3-4 महीने देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, बहुत जगह युद्ध की स्थितियां बन गई थी और बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु उसके अंदर हो गई थी।
फिर 2024 जब आया तो आप सभी ने देखा कि तब उसका विकराल रूप देखने को मिला, यानी कि 2023 में जिस चीज का ट्रेलर हमने देखा था 2024 उसकी पिक्चर हमारे सामने लेके आया। किस प्रकार से युद्ध शुरू हुए, प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार से आई। अभी आपको पता होगा कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है ना, तो ये भी हमने आपको पहले कहा था, हालांकि ये मौसम विभाग की भी चेतावनी थी और पुरातन ग्रंथों से भी पता चला, तो वहां से पढ़कर हमने आपको बताया था कि इस बार गर्मी इतनी ज्यादा पड़ेगी कि लोग बेहाल हो जाएंगे बिल्कुल, और इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी कहा था कि मौसम विभाग की भी माने जियोपॉलिटिक और जो जियोलॉजी अपनी चल रही है उसको, जियोग्राफी को ध्यान में रखें, और जो पूर्वोत्तर ग्रंथों के अंदर बातें कही हैं इन सभी को एक साथ देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी के बाद जब बारिश आएगी ना तो भयंकर बाढ़ लेकर आने वाली बारिश होगी, और ये चीज़ अब बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। चाइना जैसे देश के अंदर बात करें वहाँ पर भयंकर बाढ़ आ रखी है। अभी हाल ही में बात करें गंगा नदी उफान पर आई तो हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात बन गए, कितने साधन उसके अंदर बह गए, वे अब जहाँ जहाँ पर भी बारिश आ रही है वहाँ लगातार बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ होती जा रही हैं। अब आप इन सारे संकेतों से कुछ समझ पा रहे हो, चलिए समझ नहीं पा रहे तो मैं समझाता हूँ। इसका रीजन ये हो रहा है, अभी बात ही निकल कर सामने आ रही है कि इस धरती पर जो भी चीज़ नेचुरली हो रही है ना वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, यानी कि अगर गर्मी पड़ रही है तो बिल्कुल फुल भयंकर गर्मी पड़ रही है, अगर कहीं बारिश आ रही है तो फुल भयंकर बारिश आ रही है, कहीं ठंड पड़ रही है तो फुल भयंकर ठंड पड़ रही है। यानी कि इससे पहले जो पृथ्वी में एक बैलेंस चलता था कि बारिश आई जितनी आवश्यकता तब भाई ठंड जितनी आवश्यकता तब, वो बैलेंस अब इस धरती का खराब हो गया है, यानी कि प्रकृति अब धीरे धीरे नहीं बहुत ही जल्दी अपने आप को बदल रही है, एक नया और विकराल रूप धारण कर रही है, और ये जो निशानियां मिल रही है यानी ये प्रलय महाप्रलय की निशानियां है, और ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर पहली ऐसी कोई निशानियां मिल रही हैं। अगर आप पवित्र धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ोगे, विष्णु पुराण में जिस प्रकार से पृथ्वी अंत की एक प्रलय महाप्रलय का जिक्र करा गया था जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण करा था, तब की परिस्थितियां अगर आप देखोगे तब भी आपको बिल्कुल ऐसी ही समान परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से तब ये जो वेदर कंडीशन है इसी तरह एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी, और ऐसा क्यों जा रहा है, ये तभी होता है जब मनुष्य प्रकृति के साथ भेदभाव नहीं कहेंगे इसे कहीं खिलवाड़ करता है, खेलता है, उसके नियमों को तोड़ता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तब कुदरत अपना कहते ना बैक बाउंस करती है, बाउंस बैक करती ही करती है और बदला लेती ही लेती है, और वही चीज़ें आज पूरी मानव प्रजाति देख रही है और आने वाले समय में सभी इसको भुगतेंगे। ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं है या सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या भविष्यवक्ताओं के नहीं है, बल्कि अब तो वैज्ञानिक भी इस बात की ओर मोहर लगा रहे हैं कि मौसम में जिस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरे संकेत हैं और इसका बहुत ही बुरा परिणाम पूरी दुनिया को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। ये बात अब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे 2025 की वार्निंग नासा द्वारा या 2 या 3 सालों की जो ग्लोबल एनवायरनमेंट की वार्निंग है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं किस प्रकार अब वैज्ञानिक इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। अगर आपको सच्ची व सही जानकारियां ही चाहिए तो आप कमेंट में जय हिंद लिख दो, क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो उसके लिए एक बार कंग्रेचुलेशन इंडिया या जय हिंद कमेंट में जरूर लिख देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपको अब से सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी इस चैनल पर बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।